जय श्री कृष्ण। गीतानाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आज कक्षा 9 का विषय है सामाजिक ज्ञान। पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व, अध्याय 5 का जो हम पढ़ रहे थे, आधुनिक विश्व में चरावे, जिसमें हमने पढ़ा था पहले पहाड़ों के बारे में। तो पहाड़ों में जो चरावे होते हैं वो बकरवाल और दूसरे समुदाय के हैं। वो कुछ समय सितंबर तक, तो अप्रैल से सितंबर तक तो नीचे ऊपर के हिस्सों में रहते हैं पहाड़ों के, और सितंबर में वो वापस नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने उनका जीवन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में चरावों के। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी रहते हैं, और उनकी संख्या हमेशा इन क्षेत्रों में भी मौजूद है। धनगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरावे समूह है। धनगर महाराष्ट्र का में चरावा है। क्या है? चरवाहे कहलाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की लगभग आबादी 4,67,000 थी। उनमें से ज्यादातर गडरीय या चरवाहे थे, हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे। और ये हैं जो बुनकर भी थे। क्या थे? इनमें कुछ लोग बुनकर भी थे, जो ऊनी से रेशे ऊन प्राप्त करके कंबल और चादर बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। धनगर गडरीय बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी कोई खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियां होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहां और कुछ नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी धनगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चरावा बन जाती थी। चरागाह अक्टूबर के आसपास धनगर बाजरे की कटाई करते और चरागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ निकल पड़े। करीब एक महीने पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। यानी अक्टूबर के बाद ये है जो कोंकण में चले जाते, कोंकण क्षेत्र में चले जाते थे और वहां पर वो रहते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान की इस चरागाहों का दिल खोलकर स्वागत करते समय जिस समय धनगर कोंकण पहुंचते थे, उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना था। और कोंकण के किसान इनका स्वागत करते। क्या करते? स्वागत। क्यों? क्योंकि एक तो इनको रबी की फसल जो थी, खेती में रबी की जो फसल होती थी वो खरीफ बोनी थी। क्या थी? रबी की फसल बोनी थी और खरीफ की खत्म होती थी फसल, तो बोने के लिए नई जमीन चाहिए थी। और इनके द्वारा जब वो जमीन साफ कर दी जाती थी, ऊपर से इनको खाद भी मिलती थी। क्या मिलती थी? खाद भी मिलती थी। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची हुई ठूंठों को खाते और उनके गोबर से खेतों को खाद मिलती थी। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे, जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते, क्योंकि वहां इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट आते, क्योंकि भेड़े गीले मानसूनी हालत में नहीं रह सकती थी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थर से अटे पड़े थे। इसमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गडरियों का ही बसेरा होता था। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे। अब है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, वह आंध्र प्रदेश में गोल्ला समुदाय के लोग रहते थे। क्या रहते थे? समुदाय के लोग रहते थे। जबकि कुरुमा और कुरबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और ये गाय भैंस पालते थे। क्या पालते थे? गाय और भैंस। और दूसरा समुदाय था वो था कुरुमा और कुरबा।
कुरुमा व कुरुबा, ये जो समुदाय था ये भेड़ बकरियां पालता था। क्या पालता था? भेड़ बकरियां, बकरियां पालता था, और हाथ के बुने कंबल बेचते थे, और ये बुनाई का काम भी करते थे। क्या करते थे? बुनाई का काम भी करते थे। ये लोग जंगलों और छोटे खेतों के में आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों को संभाल देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चराओं के विपरीत यहाँ के चराओं का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी के साथ ही तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीनों में ये तटीय इलाकों की तरफ जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर ये वापस पहाड़ों और पठारों की तरह चल देते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह से गीले दलदली हालात पैदा होते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। ऐसे में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था। चराओं में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी था, और दूसरे एक चरागाह है बंजारा। क्या है? बंजार। ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, इसमें मध्य प्रदेश में होता था। पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में रहते थे। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, इसके साथ ये महाराष्ट्र में भी पाए जाते थे। महाराष्ट्र में भी ये इनकी संख्या होती थी। ये लोग बहुत दूर दूर तक जाते और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचते थे। वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चरावों को खोज ही लेते थे। राजस्थान में रेगिस्तानों में राई का समुदाय रहता था, और राजस्थान में जो चरावा होता है वो राजस्थान का जो है वो है राई का। क्या है? राई का। इसको रेबारी भी कहते हैं, रेबारी, दिवासी भी कहते हैं। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, और होती भी थी तो भाई यहाँ इस राजस्थान के इलाके में बहुत कम होती थी। इलाकों में कोई दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते राई का खेती के साथ साथ चराई का भी काम करते। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के राई का अपने गाँवों में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान वहाँ उन्हें चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर के आते आते चरावा सूखने लगते थे। नतीजन ये लोग नए चरावों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल पड़ते और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। रायकाओं का एक तबका ऊंट पालता था, और जबकि कुछ भेड़ बकरियां भी पालते थे। कुछ लोग तो ऊंट और भेड़ बकरियां भी पालते थे। क्या? भेड़ बकरियां, बकरियां भी पालते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि चरावा समुदायों की जिंदगी कई चीजों के बारे में काफी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। इन्हें बस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिनों तक रह सकते और कहां पानी और चारावा मिलते। उन्हें न केवल अपने इलाकों से दूसरे इलाकों में जाने का सही समय चुनना पड़ता, बल्कि यह भी देखना पड़ता कि किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन से। अब इनको चरागाहों की तलाश में एक दूसरी जगह पर तो जाना ही था, साथ ही साथ ये भी देखना था कि किस इलाके से अपन गुजर सकते हैं, जाने की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्यों? कई बार लोगों की फसलें इस तरह से होती थी या उनकी अपनी निजी पाबंदियां होती थी कि वो उनको नकल नहीं दे पा रहे थे। सफर के दौरान रास्ते में पड़ने वाले गांवों को किसानों को भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सके और उनको उपजाऊ बनाते चले। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चराई, ये सारे काम करने पड़ते थे। अब हम देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन काल में जमाने में चराओं का जीवन कैसा था। इस बीच हमें उस पहले एक छोटा सा चीज पढ़े कि बहुत सारे मुसाफिरों के विवरण से हमें पता चला है
कि समुदायों की जिंदगी की, कई चरागाहों के समुदायों की जिंदगी का हमें है जो झलक मिलती है, जिनमें मिसाल के तौर पर हम 19वीं सदी की शुरुआत में बुनानन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोला समुदाय के बारे में लिखा। और अपने उन्होंने लिखा कि उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे छोटे गाँवों में रहते, यहाँ वे थोड़ी सी जमीन पर खेती करते और थोड़े बहुत जानवर रखते और पास के कस्बों में जाकर दूध बेचते थे। उनके परिवार बहुत बड़े होते थे, एक एक घर में 7-8 नौजवान आसानी से मिल जाते थे। उनमें से 2-3 लोग जंगल में जानवर चराते, बाकी अपने खेतों को संभालते और कस्बों में जलावन की लकड़ी, छप्पर के लिए पुलाव आदि पहुँचाते थे। उसी तरह हैं जो चराओं की वजह से कई हैं जो जैसलमेर जिलों में हैं जो ऊँट, जिसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, इस तरह से ये लोग अपना काम करते थे। राजस्थान में एक मारू रायकाओं की वंशावली बनाने वाला भी होते थे, जो वंशावली बनाने वाले संविधान समुदाय का इतिहास बताता है कि इस तरह की मौखिक परिवार परंपराओं से चरावा समुदायों को अपनी पहचान का भाव मिलता है और इन परंपराओं से वह यह पता लगा सकते हैं कि कोई समूह अपने अतीत को किस तरह से देखता है। अब हम कल औपनिवेशिक शासन में चरावों का जीवन, कल हम इस बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।